देखिए आस्किंग मी व्हाई डोंट यू मेक वीडियोस विद योर मॉम, बिना ब्लीच के ये शो अप करेगा क्या? डू यू हैव एनीथिंग फनी टू से और शुड आई शट इट? इतने घंटे काम करने के बाद किसी नए लड़के को फोन करके पूछो तुम्हारी हॉबीज क्या है, हट। Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on my channel. And this feels like a throwback, isn't it? ऐसा लग रहा है 4-5 साल पहले वाला मेरा YouTube चैनल हो गया है, because मेरे वीडियो में है मॉम आफ्टर सो लॉन्ग। हाय, आफ्टर सो लॉन्ग मेरे वीडियो पे अपीयरेंस करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबी गैप गई कि मैं आपके सामने आई नहीं हूँ। अभी दिवाली आई है, सोचा है कुछ नया लुक देने के लिए मेरे हेयर को। She's an anchor's mother only, you know? हम लोग आज के वीडियो में बड़ा ही फन एक हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। मेरे चैनल पर काफी सारे हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी है, इसके वीडियोस में कर चुके हैं एवरी फ्यू मंथ्स। इफ यू हैवंट चेक देम आउट यू शुड, क्योंकि मुझे अलग अलग हेयर कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। सो आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट वंस, बट मम्मी के बाल जो है सालों से एक ही कलर के रहे हैं, विच इज लाइक ब्लैक और डार्क ब्राउन, है ना? यू हैव नेवर एक्सपेरिमेंटेड विद योर हेयर? नेवर नेवर नेवर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक फन, मैं तो करती रहती हूँ सारी एक्सपेरिमेंट, मम्मी को भी थोड़ा सा एक फन हेयर मेकओवर दिया जाए, वो भी नॉट एनी अदर कलर। आई एम थिंकिंग ऑफ कलरिंग हर हेयर रेड। ओह, आर यू रेडी फॉर इट? यस। आर यू श्योर? आर यू मेंटली रेडी? कैसा दिखने वाला? मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सीक्रेट इज आई गोना पे हर फॉर दिस वीडियो, दैट्स व्हाई शी इज रेडी। पूरे 2000 रुपए की डील हुई हमारी। आफ्टर लाइक गिव मी 2 आवर्स आई विल पे यू 2000। So this is the first time you are doing it. Risk to hai. Risk to hai. But let's see. And now coming to the hair color that I'm going to be using for this experiment. This is the Garnier Color Naturals Ultra Color. The shade is Raspberry Red. If you also want to do red on your hair and have all these questions, ki will it be visible on my dark hair? बिना ब्लीच के ये शो अप करेगा क्या? क्योंकि जनरली डाउट होता है, लोग ब्लीच करते हैं तभी ऐसे कलर्स दिखते हैं। एंड यू नो विल दिस डैमेज माय हेयर? इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस स्टिक टिल द एंड, बिकॉज़ ये हेयर कलर करने के बाद वी आर गोना बी आंसरिंग इट इन द एंड। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस कलर और एनी अदर कलर यू नो फॉर योर कॉम्प्लेक्शन, यू आर नॉट श्योर कैसे चूज करे, Garnier on their website have this really fabulous option that I want to talk and show you guys. Yeah, so it's called the hair color virtual try on. Look at this. Hepa. याच्यात काय होतं यांनी ना एक इट्स लाईक अ इनबिल्ट फीचर ऑन देअर वेबसाईट, ज्याच्यावर यू कॅन टॅप नाव, यू कॅन ॲक्च्युली सी की विच कलर इज गोन टू लुक हाव ऑन युअर हेअर। हे पा, दीज आर द ब्लॅक वन्स। देन नाव विल गो टू द बर्गंडी। नाव सी दिस, सी वन मोर, दिस इज रिअली नाईस ना? हा, चांगला दिसतोय। तर यू कॅन जस्ट सी थर्ड वन इज गुड। I love how this red is looking on me. Actually, maybe after mera brown ho jaye, maybe aisa kuch red. Okay, this is a little too much. पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरे बाल कलर करें क्या, या शुड वी जस्ट डू नीचे का हाइलाइट्स? तो काय आता तुला काय वाटतं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? मुझे ऐसा लगता है यहाँ से करे तो अच्छा लगेगा, नीचे से। हाँ, नीचे से ऊपर कर रहे ना दो। हाँ, अगर इसमें स्लाइड तुम ऐसे लाइनिंग डालते हो तो लाइनिंग। Okay. अब हम लोग हेयर कलर का प्रोसेस जो शुरू करते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल एक्चुअली। सो देयर आर जस्ट टू थिंग्स इनसाइड दिस, एक डेवलपर है, एक ये हेयर कलर है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट मिक्स दीज टू थिंग्स एंड अप्लाई इट, दैट्स ऑल। वी हैव अ बोल हियर एंड वी हैव द प्रोडक्ट्स हियर। ब्रश नहीं आई, हाँ डायरेक्ट हाथानी। या एक्चुअली हाथानी इज द मोस्ट कम्फर्टेबल, आई एम श्योर दे हैव अ ग्लव हियर। टचअप करायला जाते म्हणून ते ब्रश यूज करतात। करेक्ट, सी या देयर इज अ ग्लव। तो ये जो है हेयर कलर जा चुका है इस बोल के अंदर, और इसके अंदर अब ये डेवलपर मैं डालने वाली हूँ। डेवलपर की भी ऑलमोस्ट आधी क्वांटिटी जाएगी। कलर इज हियर एंड हियर आर माय ग्लव्स। कलर लगाते लगाते मैं मम्मी से कुछ बातें करूंगी। वी नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस जो माझे खूप सब्सक्राइबर्स विचारतात है। देखिए बासकी मी, व्हाई डोंट यू मेक वीडियोज विथ युअर मॉम? Why? So I tell them after the Prime Minister of this country, she is the busiest person. Do you not know? It's very difficult to get her time and appointment. Because my work is different. My daughter's work is different. And her work is more important than her daughter's work. Okay? I engage in other activities. Okay, what other activities? I am a loan consultant for home loan and education loan. So she is now fully in full swing working again. With her old bank and some new bank, she's freelancing now. But वो freelancing क्या, वो वैसे ही
घंटों घंटे घर के बाहर होती है. सो नाउ दैट्स द रीजन दैट वी डोंट डू सो मेनी वीडियोस टुगेदर. नाउ यू गाइस नो. और एक और चीज है, जब भी हम वीडियो साथ में करते हैं हम लड़ते हैं, जैसे हम हमेशा एनीवे लड़ते हैं. दैट वी आज आई टोल्ड माय मॉम टुडे ड्यूरिंग द शूट यू कांट फाइट विद मी, दैट्स व्हाई आई एम पेइंग यू फॉर दिस. इसलिए आज मम्मी हैज बीन रियली नाइस ऑन द वीडियो. सो एवरी वीडियो आई शुड पे यू एंड देन वी विल नॉट फाइट. आई विल गेट 2000. ओह गॉड. ओह सी द रेड हैज स्टार्टेड शोइंग. See, yeah. Ab just cross your fingers and hope I do a good job. Cross my fingers. And jar me neat color nahi kele to is there anything that I will have to pay? How will I pay? I could bas zala cross. To main soch rahi hu ekdam beech se nahi, thoda center se niche se shuru kar rahi hu main, theek hai? कलर लग गया है पाना. वन सेकेंड आई शो यू. पूरे बालों को लगा है? पूरे नीचे का ही तो लगाना है. हो गया. अच्छा, इज देर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी? आई कभी हुई जब भगवान चाहेगा तब. भगवान आपण ट्राय कधी करायचं आहे? आपल्याला झोपायला वेळ नाही आहे कामामुळे. यू नो आय डोंट हॅव टाईम टू स्लीप. आय एम अंडर स्लेप्ट सिन्स मंथ्स. वाय डोंट यू बिकम माय असिस्टंट इन माय वर्क सो दॅट आय गेट टाईम टू गो ऑन डेट्स? आय कांट बिकॉज आय हॅव माय अदर बिझनेस. युअर डॉटर्स लाईफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिझनेस ऑफ युअर लाईफ. माय बिझनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मेरी माँ है ही नहीं दूसरे माओं की तरह जो अपने माँ बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं फोटो वोटो उनके. माय मॉम इज लाइक करो नहीं. एक्चुअली मुझे वो ठीक भी लगता है. आई फील जब पेरेंट्स आर लाइक ओवरली इन्वॉल्व इन चिल्ड्रंस लाइफ मुझे वो थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता है कि कंसर्न ठीक है बट मुझे मला नहीं. आई डोंट थिंक इफ यू वर ओवरली इन्वॉल्व इन माई लाइफ आई वुड बी वेरी इरिटेटेड ऑफ यू. लाइक राइट नाउ ऑल्सो आई एम इरिटेटेड दैट यू डोंट शो इनफ इंटरेस्ट. बट थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना कुछ तो प्रपोर्शन. मैं कह रही थी मुझे से लगता है कि जब नसीब में लिखा हो होना जब वो वक्त आता है तब आई जेन्यूनली बिलीव कि यू डोंट हैव टू मूव. एक पत्ती हिलाने की जरूरत नहीं है वो हो जाएगा ऐसे. और जब नहीं लिखा है तब तुम हाथ पैर मारो 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 नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है. कटिंग आवर कॉन्वर्सेशन ये जो है कलर लग चुका है. उन्होंने बोला है आधा घंटा रखना है. कितनी वेळ झाला आता कलर लावून? 5 मिनिटं तर झाले. सो अभी और 25 मिनिट हम लोग रखेंगे देन वी विल गिव हर अ हेयर वॉश. तुम्हारा कहना यह है कि एफर्ट्स लिए बगैर सब कुछ हो जाता है. राइट. किस्मत में रहा तो. राइट. ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें तुम्हारा एक्शन का साथ तो है. आई एग्री ऑन द एक्शन पार्ट. वो इम्पोर्टेंट है. या विदाउट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम? माई गॉड आई एम सो टायर्ड ऑफ taking action towards my dating life. I'm so bored and done. इतने घंटे काम करने के बाद किसी नए लड़के को फोन करके पूछूं तुम्हारी हॉबीज क्या है? हट. राहत अशीत. सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन शी इज गिविंग. राहत अशीत. सी इट्स लुकिंग नाइस एंड पिंक. रेड हेड मदर. Do you have anything funny to say or should I shut it? I don't have anything funny to say. Not adding anything to my content since 2018. So, इस first wash के बाद जब हमने मम्मी के बालों का color देखा, so I could see like some red there. It was slightly visible like a hint. बट नॉट एज मच एज वी वॉन्टेड क्योंकि हम लोग सिर्फ रूट्स पे कर रहे थे. सो वॉट वी डिड वॉज बचा हुआ जो कलर था फिर से बालों पर लगा दिया. इस बार हमने इसको रखा फॉर 1 hour एंड दिस इज हाउ इट टर्नड आउट. सो आई फील लाइक इट विल बी विजिबल नाउ. लेट्स स्टाइल हर एंड सी हाउ इट लुक्स. सो फाइनली सारा का सारा हेयर कलर हो चुका है. मैंने मम्मी की थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर दी है. लाइक यू गाइज कैन सी. डू यू लाइक योर लुक? यस. यू लाइक इट? एकदम बहुत बढ़िया है और मुझे भी एकदम अच्छा लग रहा है. सो इसके पहले कि मैं तुम्हें बिफोर आफ्टर दिखाऊ कलर का, लेट मी टेल यू कि हमने क्या किया. पहली बार हमने जो कलर लगाया था उसकी क्वांटिटी हमने जो भी ली हमने आई थिंक वो 25 मिनट आधा घंटा रखा तो वो इतना नजर नहीं आ रहा था. सो वी डिसाइडेड कि एक और बार जो बचा हुआ कलर है वो ट्यूब में लगा देते हैं. आई फील जो फर्स्ट टाइम हम लगा रहे थे उसको प्रॉपरली 1 घंटा रखते तो और इसका लुक आता. बट अभी भी जो लुक आया हुआ है जो रेसबेरी रेड अपन पहले
पहला होता ऑन द पैकेजिंग. इट्स नॉट दैट फ्लैशी रेड, राइट? नो. हाउ इज द कलर लुकिंग फॉर यू? इट इज डिसेंट. ये बहुत डिसेंट लग रहा है बालों के ऊपर. मतलब अगर ज्यादा एज के भी लोग लगाते हैं तो उनको सूट करेगा. पहले यू वर नॉट श्योर कि हाउ विल दिस लुक. पहले मला डाउट होता तो आपल्यावर कसा दिसेल म्हणून मी तुला नाही म्हटलं, खाली लाव म्हटलं. पण आता एकंदरीत जेव्हा मी बघितलं याचा लुक तर असं वाटतं पूर्ण लावलं असतं तरी छान दिसलं. सो लेट मी गिव्ह यू अ बिफोर आफ्टर, थोडा दिखा दू की हे कलर मम्मी पे कैसा लग रहा है. Looking so amazing. और हमारे जाने के पहले इस कलर के बारे में मैंने कहा था कुछ सवाल जो भी आप लोगों के दिमाग में रहते हैं जब भी हेयर डाई खरीदते हैं, उन सवालों के जवाब हम देंगे. The packaging says visible on dark hair without bleach. So बहुत सारे लोगों को ब्लीच नहीं करने होते बाल, है ना, डैमेज होते हैं उससे. लेकिन बिना ब्लीच के जनरली बालों पे कलर नहीं दिखता है, तो ये कलर एक्चुअली बालों पे बिना ब्लीच के दिखता है. अब वो कितना दिखेगा डिपेंड्स ऑन यू नो योर हेयर कलर, पोरोसिटी, आपके हेयर कितने डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा यू नो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा कितने देर तक रखना चाहिए, है ना. सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कितने दिन लास्ट करेगा. सो गार्नियर क्लेम्स ये 10 हफ्तों तक लास्ट करता है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज, आई विल अपडेट यू ऑन इंस्टाग्राम. तीसरी चीज ये है कि डज इट डैमेज योर हेयर. नाउ यू कैन सी तुला काय फील होता है, हाउ इज योर हेयर फीलिंग? टेक्स्चर इज गुड. एक्झॅक्टली. असं काही डॅमेज झाल्यासारखं तर नाही वाटत आहे. करेक्ट, दॅट इज बिकॉज दिस कलर हॅज अवोकाडो, आमंड अँड ऑलिव ऑइल, जिसकी वजह से बालों को एक नरिशमेंट मिलती है और एक नॅचरल ग्लो आता है. और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, मॉम इज रियली सेंसिटिव टू अदर हेयर कलर, शी इज वेरी चूजी व्हेन वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है अपना पूरा कलर करने के लिए. शी गेट्स वेरी लाइक यू नो हर आईज गेट रेड एंड ऑल. तो जब हम ये कलर कर रहे थे मेरे हाथों में भी लगा, इजिली केम ऑफ. शी ऑल्सो वॉजंट सेंसिटिव, सो दैट्स अ बिग प्लस फॉर. दैट वॉज मॉम्स हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस चैनल. कुछ तो कितने दिनों से लोग मुझे No, one second. We'll do that once again. So that was it, guys. That was mom's hair color transformation. Okay. मुझे कितने दिनों से लोग कह रहे हैं कि कभी बस में लोग कौन था अपनी मम्मी की हेयर कट करो वीडियो पे. हेयर कट? अच्छा अजून काय करणार आहे? I got because of me you're getting to live this fun life. You aren't you thankful? Okay, I should be thankful to you. No, not you should be, nahi. Aren't you thankful? Yeah, I am thankful. And that was it for this video. अब मैं इसको खत्म कर रही हूँ. I hope ये तुम्हारे लिए helpful था if you're planning to color your hair red. इस hair dye का link जो है मैं नीचे description box में डाल दूंगी in case you want to get your hands on one. Let us know how did you like this video. बहुत दिनों बाद हम साथ में थे. So तन्ना सांग, comment करा, like करा, subscribe करा. Like करा, share करा आणि subscribe करा. Thank you.